हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आने वाले ट्वेल्थ को जो आपका एग्जाम्स है उसके लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। हमारा आपके लिए एक सजेशन रहेगा, 2024 का सीयूटी पीजी, 2023 का सीयूटी पीजी, दोनों के वीडियो अवेलेबल हैं विज्ञान घर पे, आप उन्हें प्लीज देख लीजिएगा एक बार। और हमारा लास्ट ईयर का जो मैराथन है उसको भी रेफर कर लीजिएगा, आपके कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की तरह इस साल भी बन जाएंगे। इस वीडियो में आपका जो सेक्शन बी है उसके क्वेश्चंस को हम इमीडिएटली रेफर कर रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एरिस्टोटल लैंटर्न इज अ मेस्टिकेटिंग एपरेटस ऑफ, ये क्वेश्चन सीयूटी पीजी जियोलॉजी एग्जाम्स में अक्रॉस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ये बहुत बार पूछा गया है। पहले जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते थे उनमें आता था, अब सीयूटी पीजी कंबाइन में आने लग गया है। एरिस्टोटल लैंटर्न जो होता है एक मेस्टिकेटिंग एपरेटस होता है, किसका? सी अर्चिन्स का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इन द लैक ऑफ प्रॉन द लैक रिप्रेसर प्रिवेंट्स द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन बाय बाइंडिंग टू लैक इंड्यूसर, लैक टर्मिनेटर, ओपन रीडिंग फ्रेम या लैक ऑपरेटर। देखिए, लैक ऑफ प्रॉन जो है ना, ये एक जेनेटिक सिस्टम है जो कि इंड्यूसिबल ऑपरेन है और बैक्टीरिया में मिलता है। लैक्टोज को जब भी अवेलेबल होगी उसको डिग्रेड करने के लिए इसमें तीन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। बेसिकली एक लैक जेड का प्रोडक्ट है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये है आपका लैक जेड, ठीक है ना। और एक वाई होगा जो कि आपका परमेज है, जो कि एंट्री परमिट कराएगा बैक्टीरिया के अंदर फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और एक है जो कि आपकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है, ट्रांससिटालेज। ये जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये अंडर अ कॉमन प्रोमोटर जो होता है ना उसके लिए काम करती है, उसी के अंडर काम करती है। और यहीं पे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इन जीन्स का एमआरएनए को कोड करेगा। अभी पॉइंट ये है कि अगर लैक्टोज अवेलेबल ही नहीं है तो इन एंजाइम के एक्सप्रेशन का कोई लॉजिक नहीं है। और इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए देयर इज अ जीन विच इज अंडर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, यानी कि हमेशा इसका प्रोडक्ट बनता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेसर। ये रिप्रेसर इन द वे ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एक जेनेटिक सीक्वेंस पे बाइंड करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। अब चूंकि ऑपरेटर पे आपका रिप्रेसर बाइंड हो गया है, रिप्रेसर इज अ प्रोटीन, ऑपरेटर इज अ जेनेटिक सीक्वेंस, याद रखिएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा और जेड वाई ए का एक्सप्रेशन रुक जाएगा। अगर लैक्टोज अवेलेबल है तो वो रिप्रेसर से बाइंड करेगा और नाउ रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू दिस प्लेस, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज can able to transcribe the structural genes. इसीलिए इस क्वेश्चन में अब आप ध्यान से देखिए, in the lac operon, the lac repressor क्या करेगा? Prevent transcription किससे करेगा? By binding to the lac operator. ये वाला area which is a genetic sequence. Confusion नहीं करना है, lac repressor protein होता है और lac operator जो है genetic element होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू आइटम। लिस्ट वन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और लिस्ट टू में जेनेटिक ऑल्टरेशंस हैं। सिंपल सिंपल कर लेते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इट इज अ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो ए का हो गया 3। ए का 3 किस में है? ए का 3 ए में भी है और बी में भी है। चलिए आगे करते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? XXY होता है ना, तो गेन ऑफ अ एक्स क्रोमोसोम, यानी बी का 1। बी का 1 किस में है? ऑप्शन बी में, तो आंसर तो होगा ऑप्शन बी। टर्नर सिंड्रोम क्या होता था? X0, यानी लॉस ऑफ अ एक्स क्रोमोसोम। जबकि क्राइडूचेट सिंड्रोम जो है, कैट क्राइड सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, वो होता है डिलीशन ऑफ स्मॉल टर्मिनल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम 5, यानी कि डी का हो गया 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिनाइल कीटोन यूरिया इज अ टाइप ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज या ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। देखिए, फिनाइल कीटोन यूरिया ना एक जेनेटिक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जिसमें ये जो एंजाइम है ना फेलाइन एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसकी जो जीन्स है वो एब्सेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक डिफेक्ट, और ये प्रेजेंट होती है आपके ऑटोसोम्स में। अब सिंस इट इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, तो ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। आपको दो म्यूटेटेड कॉपी चाहिए होंगी इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ट्रेट। तो यानी कि फिनाइल कीटोन यूरिया इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल, बिकॉज ये जो पाहा की जीन है ये ऑटोसोम्स पे है और दो कॉपी चाहिए होती है, डोमिनेंट जीन नहीं है, रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा ट्रेट। तो फिनाइल कीटोन यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ओके, इनके इनहेरिटेंस पैटर्न्स को याद रख लीजिएगा, कितने परसेंटेज आपके कैरियर्स होते हैं, कितने परसेंटेज अफेक्टेड चाइल्ड होते हैं, कितने परसेंटेज नॉर्मल होंगे, इस तरह के क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम्स में। ओके, चलिए
Option D is the correct answer. Hypersensitivity involved in blood transfusion and erythroblastosis fetalis is, that's very easy. ये जो हाइपरसेंसिटिविटी की जो चार टाइप्स हैं आपको याद होनी चाहिए. टाइप वन जो है बेसिकली एलर्जी या अस्थमा में इन्वॉल्व होती थी और ये किसकी वजह से होती थी, आईजीई की वजह से. जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा आपका टाइप टू हाइपरसेंसिटिविटी. टाइप टू हाइपरसेंसिटिविटी में क्या होता है, जो हमारी सेल्फ एंटीबॉडी होती है वो एक पर्टिकुलर एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन द सेल उसको टारगेट करना शुरू कर देती है और उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स हैं दैट विल बी डिस्ट्रक्टेड या डिसफंक्शन. अब आपका अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और ब्लड ग्रुप जो है वो मिसमैच हो गए हैं तो उसकी वजह से जो हमारी एंटीबॉडी है वो ब्लड सेल्स को टारगेट करेंगी और उनको खत्म कर देंगी. सेम गोज विद द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. अगर आरएच नेगेटिव मदर है और आरएच पॉजिटिव फादर थे तो अगर चाइल्ड का फीटस का जो ब्लड ग्रुप है या फीटस जो है आरएच पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, फर्स्ट चाइल्ड के बाद जो सेकेंड चाइल्ड होगा By that time, mother में, since she was RH negative, और उसके अंदर antigen develop, antibody develop हो जाएंगी against RH positive antigen. Second child, जब भी होगा develop, और अगर वो RH positive वाला है, तो उसके against, fetus के against antibody, maternal antibody starts targeting. बच्चे को abort कर दिया जाएगा. It is a classical example of type टू हाइपरसेंसिटिविटी. टाइप फोर भी याद करके जाइएगा क्योंकि टाइप फोर इज अ अलोन एग्जांपल ऑफ सेल मीडिएटेड आपकी हाइपरसेंसिटिविटी टीसी सेल्स की वजह से. ये क्लासिकल क्वेश्चंस है इम्यूनोलॉजी के, राइट? तो इस केस में ऑप्शन होगा बी. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. ओके, स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, ऑन मॉर्फोलॉजिकल ग्राउंड साइंटिस्ट स्पेकुलेटेड दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट माइट बी इंट्रासेल्युलर parasites that has been established symbiotic relationship with the eukaryotic cell. Statement 2 kya keh raha hai, blue green algae thought to have originated the mitochondria and bacteria have originated the chloroplast. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. Both statement 1 and 2 are true, both statement 1 and 2 are false. Ek true hai, dusra false hai, ya ek false hai, dusra true hai. Agar is question ke liye dekhen to statement 1 jo hai hamara वो करेक्ट है. क्यों? बिकॉज ये जो ऑर्गेनल्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, दे आर थॉट टू बी इवॉल्व्ड फ्रॉम द एनगल्फ प्रोकैरियोट्स. कभी हुआ होगा पास्ट में जब एक यूकैरियोटिक सेल्स ने इनको एनगल्फ कर लिया होगा कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स. तो यानी कि जो ये स्पेकुलेशंस है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को इसलिए बने हैं कि क्योंकि किसी एक यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ किया होगा कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. अब वो बैक्टीरिया कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को एरोबिक होना होगा तो उसके लिए जो बैक्टीरिया रहा होगा वो अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया रहा होगा. उसको एनगल्फ अगर किसी यूकैरियोटिक सेल ने कर लिया होगा तो वो जाके हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बन गया. जबकि क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होनी है तो उसको करने के लिए किसी यूकैरियोटिक सेल ने आपके साइनोबैक्टीरिया को किया होगा एनगल्फ. तो यानी कि स्टेटमेंट टू जो कि गलत हो जाएगा. ब्लू ग्रीन एल्गी से कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं डेवलप होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा. जबकि आपका अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया से क्या डेवलप होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नॉट क्लोरोप्लास्ट. यानी स्टेटमेंट वन तो ठीक है बट स्टेटमेंट टू फॉल्स है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द मेथड यूज टू एनालाइज लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट मोर देन 1 मेगाबेस पेयर इज पॉलीक्रैलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या PFG, that means pulse field gel electrophoresis. ये जो pulse field gel electrophoresis है, ये Cantor और Schwartz ने propose की थी, और आज की date में that is being treated as gold standard in DNA fingerprinting. आप इस technique की मदद से जो DNA fragments है, megabase pair में भी आप separate कर सकते हो. कैसे करते हैं? इसमें हम alternate electric fields को, current को, जो कि direction में change करते जाते हैं, with a particular angle. And after a certain period of time, we are able to separate large DNA fragment. Yaad rakhiyega, pulse field gel electrophoresis aaj DNA fingerprinting mein bada important role play kar rahi hai. To yani ki option D is the correct answer. Evolution of drug resistant bacteria is an example of that's very easy. Natural selection, blindly aap is question pe ja sakte hain. Wahan pe aap agar 12th ki NCERT aapne padha hai, to ye natural selection mein ek example ke taur pe diya gaya hai. To aap dhyan rakhiyega, ek bar अगर आपके टाइम है
तो आप विजिट कर लीजिएगा 12th की एनसीईआरटी, उससे भी कई क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज जो आप कर रहे हैं वही सफिशियंट है। इवोल्यूशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट, और जो अडेप्ट कर गया वो सर्वाइव भी करेगा और रिप्रोड्यूस भी करेगा आगे आने वाली प्रोजेनी में। जो हम कहते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट क्या है, रिप्रोडक्शन कर पाए, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी कि दोज हु आर बेटर अडेप्ट वो आगे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी नई प्रोजेनी लाएंगे। अगर हम उसे ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के केस में देखें तो इनिशियली बिफोर द एंटीबायोटिक एक्सपोजर हमारे पर डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन्स थे, अलग अलग बैक्टीरिया थे, बट अगर हमने कोई ड्रग या कोई एंटीबायोटिक अगर स्प्रे कर दिया तो उसके बाद ये केवल चार हैं, ये चार स्ट्रेन्स हैं जिनमें रेजिस्टेंस था और यही आगे सर्वाइव हुए और यही आगे अपनी प्रोजेनी बनाएंगे। फाउंडर्स हैं ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए, याद रखिएगा। तो इसका मतलब इसमें नेचर ने सेलेक्ट किया है कि जो भी बेटर अडेप्ट कर गए हैं सिचुएशन के हिसाब से उन्हीं को रिप्रोडक्शन का चांस मिलेगा। नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है ऑप्शन बी। द मिमिक्री इन विच अ पैलेटेबल स्पीशीज मिमिक्स अ टॉक्सिक स्पीशीज इज कॉल्ड एज करेक्टर डिस्प्लेसमेंट मिमिक्री, नो। बिट्सियन मिमिक्री, यस। बिट्सियन मिमिक्री होती क्या है, बिट्सियन मिमिक्री में एक जो फॉर्म ऑफ मिमिक्री है जिसमें एक हार्मलेस या फिर जो सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है वो मिमिक करने लग जाता है किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ जो कि कैसा है, हार्मफुल है एंड नॉन पैलेटेबल है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हेनरी वॉल्टर बेट्स ने दिया था जो कि बटरफ्लाईज में इस कॉन्सेप्ट को दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी वाइसराय बटरफ्लाई है ना, ये मिमिक करती है किसको, मोनार्क बटरफ्लाई को। आप देखिए ये वाली बटरफ्लाई जो है बड़ी सेंसिटिव होती है, खाया जा सकता है, इसको प्रिडेट किया जा सकता है, बट ये किसकी तरह दिख रही है, मोनार्क, जो कि डिस्टेस्टफुल है। अगर इसको कोई अटैक भी करेगा तो इट इज नॉट टू कंज्यूम। तो इसका मतलब वॉइसराय बटरफ्लाई को एक नेचुरल एडवांटेज हो गया बाय मिमिकिंग द मोनार्क बटरफ्लाई। क्यों, क्योंकि प्रिडेटर को क्या लगेगा, ये मोनार्क है जो कि नहीं अटैक की जानी चाहिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेट्सियन मिमिक्री। बाकी की जो मुलेरियन या ग्रिगेरियन मिमिक्री है इनके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज हार्म एंड अदर इज अनअफेक्टेड इज कॉल्ड एज कमेंसलिज्म, फेलिसिटेशन या फिर पैरासिटिज्म या अमेंसलिज्म। देखिए इस क्वेश्चन को समझना है तो अगेन एनसीईआरटी की टेबल पे चले जाइए स्ट्रेट अवे। अगर आपका जो एसोसिएशन है उसमें स्पीशीज ए को भी फायदा हो रहा है और स्पीशीज बी को भी फायदा हो रहा है, म्यूचुअलिज्म। स्पीशीज ए को भी फायदा नहीं हो रहा, स्पीशीज बी को भी फायदा नहीं हो रहा, कॉम्पिटिशन। स्पीशीज ए को तो फायदा हो रहा है, स्पीशीज बी को फायदा नहीं हो रहा, प्रेडेशन। स्पीशीज ए को फायदा हो रहा है, स्पीशीज बी को फायदा नहीं हो रहा, अगेन सेम कॉन्सेप्ट कुड बी पैरासिटिज्म। बट अगर स्पीशीज ए को फायदा हो रहा है, स्पीशीज बी को कोई फायदा नहीं हो रहा, कमेंसलिज्म। बट अगर स्पीशीज ए को नुकसान हो रहा है, दूसरे को फायदा नहीं हो रहा है, तो अमेंसलिज्म। यही तो क्वेश्चन का आंसर है। एन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, अमेंसलिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, स्पीशिएशन कैन अकर रैपिडली और स्लोली। स्टेटमेंट टू, स्पीशिएशन कैन टेक प्लेस विद जियोग्राफिकल सेपरेशन ओनली। In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Both statements are true, both statements are false. एक true है, एक false है, एक false है, दूसरा true है। देखिए हम सब जानते हैं कि speciation जो है वो बहुत time लेता है होने के लिए normally. But there are instances where it can happen suddenly. For example, polyploidy concept, disruptive cell selection, Hugo de Vries का याद करिए saltation effect. यानी कि स्पीशिएशन कैन अकर रैपिडली एज वेल एज स्लोली। ऑप्शन जो स्टेटमेंट वन है ना वो करेक्ट हो गया, बट स्टेटमेंट टू को अगर हम देखें वो कह रहा है कि स्पीशिएशन कैन टेक प्लेस विद ज्योग्राफिकल सेपरेशन ओनली। नहीं जी, एलोपैट्रिक होती है तो पैरापैट्रिक भी होती है, सिंपैट्रिक होती है तो पेरीपैट्रिक भी होती है। इनके बारे में डिटेल में हमने कहां डिस्कस किया है, अपने मैराथन में, तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। स्टेटमेंट वन ठीक था, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट था, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
In eukaryote, 5S ribosomal RNA is synthesized by RNA pol 1, RNA pol 2, RNA pol 3 या RNA polymerase sigma subunit. भाई ये तो हो गया आपका प्रोकैरियोट का केस, तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन से आउट हो गया. RNA pol क्या करता है? राइबोसोमल RNA के लिए. RNA pol 2 क्या करता है? आपके mRNA के लिए होता है. और RNA pol 3 किसके लिए होता है? tRNA के लिए. बट इसमें तो हमसे क्या पूछा गया है? 5S राइबोसोमल RNA, जो कि अगेन आपका RNA pol 3 कोड करता है. तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 5S राइबोसोमल RNA इज बीइंग डन बाय द RNA pol 3, राइट, जो कि हमारे राइबोसोम्स में जाएगा, राइट. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. रामचंद्रन प्लॉट्स आर यूज्ड टू एनालाइज प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन या फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन. रामचंद्रन जो प्लॉट था ना, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट है ये. बहुत सारे बच्चों के लिए ये गुड नोशंस में नहीं आता, जनरली बच्चे इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते. बट अगर हम सिंपल वे में समझाएं रामचंद्रन प्लॉट क्या था. अगर आपको दो अमाइनो एसिड्स पता हैं आगे पीछे के, यानी पहले कौन है और बाद में कौन है, आप उन अमाइनो एसिड को जानने के बाद जस्ट आपको ये पता करना है कि वो दो अमाइनो एसिड हैं कौन से, लेट्स से ग्लाइसिन ग्लाइसिन या ग्लाइसिन एलानिन. अगर आपको इतना भी पता है तो उनके डाइहेड्रल क्रॉस जो एंगल्स होते हैं फाई और साई, उनकी वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता होती हैं. और उन वैल्यूज को देख के रामचंद्रन ने इतना तक हमें बता दिया था कि विद दीज अवेलेबल एंगल्स व्हाट द काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन बी मेड बाय दीज अमाइनो एसिड. सोचिए, दो अमाइनो एसिड सब बस आपको पता होने चाहिए सीक्वेंस में, और उन दो अमाइनो एसिड से आप इवन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेचर में ये जो अमाइनो एसिड हैं अगर पॉलीमर बनाएंगे तो क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा. क्या वो एंटी पैरेलल बीटा शीट बनेगा या पैरेलल बीटा शीट बनेगा, क्या लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बनेगा या राइट हैंडेड हेलिक्स बनेगा, क्या कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन भी पाएगा. फॉर एग्जांपल अगर डायहेड्रल एंगल्स इस जोन में फॉल इन करते हैं तो आप कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर उन अमाइनो एसिड से नहीं बना सकते. दिस वाज द ब्यूटी ऑफ रामचंद्रन प्लॉट व्हिच इज ऑफन नॉट अंडरस्टूड इन अ गुड नोशन. रामचंद्रन प्लॉट्स आर यूज्ड टू एनालाइज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर क्लोराइड आयन. देखिए, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, अनलाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट जहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो उसको फॉलो किया जाता है, डाउन हिल मूवमेंट होता है चीजों का. उसके कंपेरिजन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नॉर्मली अपहिल यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट लगता है. और इस पर्पज के लिए हम जनरली एनर्जी का भी यूटिलाइज करते हैं या फिर हम किसी और कॉन्सेप्ट के थ्रू अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी जाते हैं, जैसे को ट्रांसपोर्ट में होता है सोडियम ग्लूकोज का, अगर आपको याद हो तो. जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो तो हमने पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए भी देखा था, सोडियम पोटेशियम पंप याद करिए, हमने नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स यानी क्लोराइड शिफ्ट में भी देखा था, क्लोराइड के लिए भी होते हैं, आपका डी ऑप्शन क्लोराइड आयन भी दे रखा है. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए ऑन द कंट्री जनरली हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर सकते या फिर नहीं यूज करते हैं, वो नॉर्मली पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रन होते हैं. अब ये क्वेश्चन बहुत जरा थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है. इसने बोला है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर, अगर ये क्वेश्चन ये होता कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर तो हमारा क्लियर था आंसर कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए हम कह देते हैं, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जनरली पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो जाते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनके लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करें, राइट. बट इस क्वेश्चन का क्या आंसर करें, आंसर की में दे रखा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. वी डोंट अंडरस्टैंड कि या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है या इसमें कुछ गड़बड़ है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट नॉर्मली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए हम यूज नहीं करते, पैसिव ट्रांसपोर्ट से काम चल जाता है. बट कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए तो किया जाता है, बट यस पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के लिए भी किया जाता है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के लिए भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है, क्लोराइड आयंस के लिए भी यूज करता है. वी आर कीपिंग विद दिस डायलेमा कि जो भी आंसर की में है, इफ यू आर नोइंग द बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन, वी विल वेलकम योर सजेशंस ओवर इट. अभी तक इस क्वेश्चन का हमें कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है. Let's go for the other questions.
व्हाट इज द थीम ऑफ G20? रिसेंटली G20 इंडिया में हुआ था और उसका जो थीम था वो क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। ये जो टर्म है संस्कृत की, ये उपनिषद से ली गई है और इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल इन द स्मूथ मसल्स? जेड डिस्क, एच बैंड, थिक मायोफिलामेंट्स या फिर थिन मायोफिलामेंट्स। देखिए जो स्मूथ मसल्स होती है ना वो नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स हो या कार्डियक मसल्स हो स्ट्रिएटेड पैटर्न्स उसमें दिखेंगे। और अगर स्ट्रिएशन नहीं है तो सार्कोमियर भी नहीं होगा। और सार्कोमियर की जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती हैं? जेड डिस्क होती हैं। यानी कि इन द केस ऑफ स्मूथ मसल जेड डिस्क मस्ट बी एब्सेंट। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ के जाइएगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सार्कोमियर पढ़िएगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़िएगा, आई बैंड, एच बैंड, ए जोन, इनके साथ क्या होता है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ये आना चाहिए। डिस्कस किया है हमने अगेन मैराथन में। द पीएच ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड लाइसोसोम्स आर अराउंड 7 and 5। हाउ मेनी फोल्ड प्रोटोन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन लाइसोसोम्स कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म? क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा सिंपल है। आपको पीएच का फॉर्मूला याद है ना? पीएच क्या होता था? माइनस लॉग प्रोटोन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो उससे आप क्या करिए, एंटी लॉग के थ्रू आप प्रोटोन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालिए साइटोप्लाज्म की एंड लाइसोसोम्स की। द कॉन्सेंट्रेशन कम्स आउट टू बी 10^-7 × 10^-5। जिनको ये चीज नहीं समझ में आती है कि एंटी लॉग कैसे किया जाए, तो बड़ा सिंपल सी बात है। जो भी आपकी पीएच की वैल्यू दे रखी है, लेट अस से यहाँ पे 7 दे रखी है, तो उसका प्रोटॉन की वैल्यू 10^-2, ये वैल्यू को आपको पुट ऑन करना है 10^-2 माइनस में, तो ये हो जाएगा -7। देखिए यही तो है, तो यानी कि दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 10^-5। कितना आसान होता है। और अगर इसका पीएच निकालना हो, अगर प्रोटॉन दे रखा हो, तो इसको आप पॉजिटिव वैल्यू में लिख दीजिए, दैट विल बी योर पीएच। बहुत सिंपल होता है पीएच कैलकुलेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, राइट? अब आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। आप देखेंगे दोनों का रेशियो जो आएगा 100 आएगा। यानी कि जो पीएच है साइटोप्लाज्म एंड लाइसोसोम्स का कंपैरिजन अगर करें तो वो 100 टाइम्स है। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स विद ईच नॉर्मल इंस्पिरेशन इज नोन एज, दैट्स वेरी इजी, इट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। हर नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन विच इज अराउंड 500 ml, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। अगर हम एक नॉर्मल सांस ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम है, अगर इस नॉर्मल सांस से थोड़ा सा और प्रेशराइज करके सांस ले सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर हम जब एक्सपायर कर रहे हैं, सांस को निकाल रहे हैं और थोड़ा सा और फोर्सफुली निकालेंगे, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप समझ चुके हैं, बट आप जानते हैं कि हमारे लंग्स बैलून की तरह कोलैप्स नहीं कर जाते, यानी कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट एयर भरी रहती है, विच इज नेवर एक्सपायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। इन सबको आप जब मिक्स करेंगे तो कहलाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, बट अगर फर्स्ट थ्री को मिक्स करेंगे, टोटल करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। इनके जो वैल्यूज हैं ये आप याद करके जाइएगा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा नहीं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा नहीं, वाइटल कैपेसिटी होगी नहीं, इवन टोटल लंग कैपेसिटी होगी नहीं, टाइडल वॉल्यूम शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरोनल सेल इज मेंटेन्ड बाय हायर इंट्रासेलुलर पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। हायर एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम आयन एंड लोअर इंट्रासेलुलर सोडियम आयन। हायर इंट्रासेलुलर पोटेशियम आयन, हायर एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम आयन। लोअर इंट्रासेलुलर पोटेशियम आयन एंड हायर एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम आयन। कंफ्यूजन नहीं होना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द वोल्टेज व्हिच इज प्रेजेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जब कोई सेल में सिग्नलिंग नहीं हो रही है। ये जो वैल्यू होती है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, इसकी वैल्यू जनरली -20 mV से -100 mV तक हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप्स में। एक टिपिकल न्यूरॉन में इसकी वैल्यू -70 mV होती है। किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज चार्ज डिफरेंस। नॉर्मली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में सोडियम ज्यादा होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूड्स में आपका क्या, साइटोप्लाज्मिक फ्लूड में आपका पोटेशियम ज्यादा होता है। यानी कि हायर एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होगा, सोडियम ज्यादा होगा। हायर एक्स्ट्रा सेलुलर आपको किस में दिख रहा है, सोडियम ऑप्शन में, नीचे वाले में भी है, बट इंट्रा सेलुलर किस में ज्यादा है,
इंट्रासेलुलर किसमें है? पोटेशियम आयन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच हार्मोन प्राइमरीली एक्सिलरेट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम अलोंग द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट? एडीएच, रेनिन, एल्डोस्टेरोन या फिर ऑक्सीटोसिन। अगर आपको याद हो जो हार्मोन्स हैं, दो हार्मोन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एडीएच है और एक आपका क्या है, एल्डोस्टेरोन। ये जो एल्डोस्टेरोन है ना, दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन। ये हार्मोन प्राइमरीली एक्सिलेट कर देता है सोडियम रीअब्सॉर्प्शन अलोंग द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग डक्ट, और इस तरीके से ये रेगुलेट करता है हमारे बीपी को एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। Which statistical method is best suitable for testing the goodness of fit? जब भी goodness of fit आ जाए तो इसका सीधा सा मतलब है आपका आंसर होने वाला है chi-square test. Chi-square test होता क्या है? अगर हम simple words में बात करें तो chi-square test जो होता है वो assess करता है कि जो आपका frequency distribution है, observe आप जो कर रहे हो, क्या वो standard frequency या expected frequency distribution से match कर रहा है या फिर कितना different हो रखा है। यानी कि एक डेटा जो आपका आ रहा है और एक एक्सपेक्टेड है, उनमें कितना डिफरेंसेस है, कितना सिमिलरिटी है, कितना कोइंसाइड कर रहे हैं, कितना एक दूसरे से अलग है, ये जब कॉन्सेप्ट हमें देखना होता है तो हम यूज करते हैं आपके काई स्क्वायर टेस्ट को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूकोप सेंटर इज फॉर्म्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन, स्मैट 24, एक्टिविन, टीजीएफ बीटा। देखिए होता क्या है, ये जो बीटा कैटेनिन है ना, ये एक्यूमुलेट होता है किस जगह पे? ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियन, और इसका जरूरत पड़ती है इन मेकिंग ऑफ एक्सेस डिटरमिनेशन। बीटा कैटेनिन जहां होगा ना, वहां से एक्सेस डिटरमिनेशन आप कर सकते हो। इसका मतलब न्यूकोप सेंटर जो है, इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The primitive streak is derived from, again same embryology का question आ गया, primitive streak होती क्या है? During gastrulation जो होता है ना, early embryo development जो होता है, in the epiblast layer, ये जो cell है, ये देख रहे हैं आप, ये वाली cell, they start moving towards the midline, और invagination करना शुरू कर देते हैं, ये देखिए आप, invagination शुरू हो जाता है, they start moving towards a midline and invaginate, और यही आगे जाके बनाते हैं हमारे primitive streak को। Now question comes, इसका answer तो आपको पता लग गया, anterior epiblast cell, but इसकी जरूरत क्या है? Again, इसकी भी जरूरत है to make the anterior posterior axis. पिछले वाले केस में हम dorso ventral axis बना रहे थे, यहाँ पे हम anterior posterior axis बनाएंगे, and it is also acting as a site for germ layer distribution. इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एन एनेप्सिड स्कल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स और टर्टल। पहले समझते हैं एनेप्सिड स्कल्स या दूसरे टाइप के स्कल्स होते क्या हैं। यहाँ पे हमने तीन तरह के स्कल्स को डिस्कस किया है, एनेप्सिड स्कल्स, साइनेप्सिड स्कल्स और डैप्सिड स्कल्स। साइनेप्सिड स्कल्स में जो अगर आप ध्यान से देखें तो एक आपको यहाँ पर ओपनिंग मिलेगी, टेम्पोरल फिनिस्ट्रे या फिर टेम्पोरल ओपनिंग बिहाइंड द आई पॉकेट, ये हमारी आई पॉकेट है इसके बाद, विच इज एब्सेंट इन द एनेप्सिड स्कल, और ये होती है दो इन द केस ऑफ डायप्सिड स्कल। डायप्सिड स्कल किसमें मिलता है? मैमल्स में। एनेप्सिड किसमें मिलता है? टर्टल्स में। और आपका डायप्सिड किसमें मिलता है? साइनेप्सिड किसमें मिलता है? साइनेप्सिड मिलता है आपके लिजर्ड्स में, क्रोकोडाइल्स में या फिर एव्स यानी बर्ड्स में। Anapsid skull is a characteristic of turtles. Option D is the correct answer. A fish that spends its adult life in seawater but migrates to the freshwater for spawning is Catadromus, Anadromus, Limnodromus या Oceanodromus. ये क्वेश्चन आएंगे आपके, फिश माइग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे, एक बार once for all इनको क्लियर कर लीजिए। Catadromus जो फिशेज होती हैं वो फ्रेश वाटर से सी में जाती हैं फॉर स्पॉनिंग, फॉर एग्जांपल ईल। एनाड्रोमस वो फिश होती हैं जो सी से आती हैं फ्रेश वाटर में, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। सी वाटर से किसमें आई हैं? फ्रेश वाटर में फॉर स्पॉनिंग, फॉर एग्जांपल सैल्मन,
सील लैम्प्रे। ऑशिनोड्रमस जो होती हैं वो हमेशा जिंदगी भर कहां रहती हैं? ओशियंस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। याद रखिएगा फिश माइग्रेशन पे यू आर एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन। फ्री स्विमिंग सीलेटेड लार्वा ऑफ ह्यूमन लीवर फ्लूक इज मिरासीडियम पोरोसिस सर्केरिया या फिर मेटा सर्केरिया। जो मिरासीडिया है या मिरासीडियम है दैट इज द फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ ट्रेमेटोड्स यानी लीवर फ्लूक। और ये जब हैच करते हैं एग से तो देन दे स्टार्ट सीकिंग आउट टू पेनिट्रेट द इंटरमीडिएट होस्ट व्हिच इज स्नेल। ये राइट, ये आपका स्नेल को इन्फेक्ट करते हैं। वहां पर जाके एक बार ये स्नेल में चले गए तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट अदर स्टेजेस ऑफ लार्वल स्टेजेस में ये ग्रो करते हैं एंड इवेंचुअली फाइनली जो सर्केरिया लार्वा है फ्री स्विमिंग सर्केरिया लार्वा वो इमर्ज करता है जो कि फाइनल स्टेज लार्वल होती है। यानी कि फर्स्ट जो लार्वल स्टेज है वो होगी आपकी मिरासीडियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द इवेंट्स ऑफ वायरस रेप्लिकेशन इन अ होस्ट सेल। अटैचमेंट, पैकेजिंग ऑफ वायरल जीनोम विद स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, रिलीज ऑफ जीनोमिक मटेरियल इन द होस्ट साइटोप्लाज्म, सिंथेसिस ऑफ वायरल जीन्स एंड प्रोटीन्स। और अब हमें एक करेक्ट आंसर निकालना है ऑप्शन बिलो इनके अरेंजमेंट के हिसाब से एज दे हैपन इन अ सीक्वेंस। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो पहले क्या होगा? फर्स्ट होगा अटैचमेंट। सेकंड क्या होगा? दिस विल बी योर फर्स्ट अटैचमेंट वुड बी योर फर्स्ट ए। उसके बाद क्या हुआ है? रिलीज ऑफ जीनोमिक मटेरियल इन द होस्ट। ये देखिए ये आपका मटेरियल होस्ट में आएगा। एक बार अगर ये आ गया विच इज सेकेंड देन क्या होगा? ए के बाद सी हो गया। उसके बाद क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ वायरल जीन्स एंड प्रोटीन। हैकिंग करनी है ना होस्ट सेल को, तो ये हो गया आपका थर्ड। एंड देन जब लिसिस करनी होगी तो पैकेजिंग ऑफ वायरल जीनोम विद स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगा विच इज द लास्ट। ए सी डी ई, ए सी डी बी, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे ऑफ फैटी एसिड इन सीक्वेंस। एसिटाइल कोए एसिटाइल ट्रांसफरेज, इनोइल कोए हाइड्रेटेज, एसाइल कोए सिंथेटेज, एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। अगेन एज दे हैपन उस सीक्वेंस में हमें इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहला एंजाइम हमें कौन सा दिख रहा है? वी आर एबल टू सी एसाइल कोए सिंथेटेज व्हिच इज सी। देन इट इज बीइंग टेकन अप विद द हेल्प ऑफ कार्निटिन साइकिल, कार्निटिन एसाइल ट्रांसलोकेज which is a shuttler. Then the next enzyme would be acyl-CoA dehydrogenase, acyl-CoA dehydrogenase. Then enol-CoA hydratase, right? Then beta-hydroxy acyl-CoA dehydrogenase. And last, thiolase या फिर acyl-CoA transferase. क्या आंसर होगा? C, D, B, E, A. That means option D is the correct answer. Arrange the following steps again involved in the phagocytosis of bacterium by macrophages. Again A, B, C, D, E and we have to arrange as they happen. एक शिकायत रहेगी CUT से, इन क्वेश्चन को एक बेटर तरीके से जंबल अप करके कर सकते थे। एक ही तरह के क्वेश्चन एक साथ दे दिए जाते हैं, इससे बच्चे का टाइम जो है कंज्यूम होता है। I think this year they will come out with a better strategy. चलिए शुरू करते हैं। Phagosome fuses with the lysosomes. Bacteria is ingested, forming a phagosome. Bacterium is killed and then digested by the lysosomal enzymes. Bacterium becomes attached to the membrane, evaginate called pseudopodia. सबसे पहले बैक्टीरिया के साथ हमने क्या किया है? उसको phagocytosis किया है, यानी कि it become attached to the membrane, evagination होता है by the pseudopodia. उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हमारा क्या बना है? Phagosomes. यानी कि bacteria is ingested and forming a phagosome. अब उसके बाद हमने lysosomes को क्या fuse करा है? Phagosomes के साथ. यानी phagosome fuses with the lysosomes. And finally, phagolysosomes बनता है, जिसमें बच्चों को kill कर दिया जाता है and digested by the lysosomal enzyme. That is fourth. यानी option क्या होगा? D, B, A, C. D, B, A, C. यानी option B is the correct answer. Question बहुत आसान है.
अगर आप इन्हें ढंग से समझते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन यूरोकॉर्डेट इज, याद रखिएगा यूरोकॉर्डेट्स वो कॉर्डेट्स हैं जिनमें के नोटोकॉर्ड क्या होती है, टेल में होती है, सेफेलोकोर्ड्स में थ्रू आउट प्रेजेंट होती है, एडल्ट्स में भी कहां से, हेड टू टेल, वर्टिब्रेट्स में एडल्ट में रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। एक क्विक नोट पे आपको डिफरेंस बता दिया है, चलो इस क्वेश्चन को अब हम शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपका फर्स्ट क्या होगा, डायग्राम को देखिए, सबसे पहले क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा है तो ए इज द फर्स्ट नॉन फीडिंग फ्री स्विमिंग लार्वा। देन इट अटैचेस एंड मेटामॉर्फोसाइज, तो यानी कि लार्वा को हमने किससे किया, इट अटैचेस सेटल टू अ फर्म सबस्ट्रेट बाय अटैचमेंट, दैट मींस दिस विल बी योर सेकंड लाइन। थर्ड क्या होगा, ए के बाद आ गया सी, सी के बाद आएगा बी, द आउटर एपिडर्मिस स्टोरिंग मेटामॉर्फोसिस इज मॉडिफाइड, ये देखिए मॉडिफाइड हो रही है, दैट मींस दिस इज योर सी, एंड लेस्ट विल बी द फोर्थ रीऑर्गेनाइजेशन बाय टेकिंग अ टर्न 180 डिग्री टर्न। ए सी बी डी, ए सी बी डी, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए During oogenesis, the following events occurs in sequence. Primary oocytes undergoes meiotic division. Secondary oocytes remain arrested until fertilization. Oogonia undergoes mitotic division. Primordial germ cells undergo mitosis. Oogenesis का एक typical diagram अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि पहले क्या होगा, सबसे पहले primordial germ cells जो हैं they undergo into mitosis. ज्यादा multiply करेंगे and उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका ऊगोनिया जो है दैट विल अंडरगो इनटू माइटोसिस, और एक बार अगर ऊगोनिया माइटोसिस में गया तो उसके बाद प्राइमरी ओसाइट्स जो है वो किस में जाएगा, मियोटिक डिवीजन में। ये देखिए प्राइमरी ओसाइट्स जो है इट हैज अंडरगोन इनटू द मियोटिक डिवीजन। उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट जो है इट रिमेन अरेस्टेड अंटिल फर्टिलाइजेशन इवेंट हैपेंस, द मेल न्यूक्लियस कम्स एंड फ्यूजेस, यानी कि आपका सीक्वेंस क्या बनेगा, डी, उसके बाद क्या होगा आपका ऊगोनिया किस में गया था, माइटोटिक डिवीजन में, प्राइमरी ओसाइट्स किस में गया था, मियोटिक डिवीजन में, और सेकेंडरी ओसाइट रिमेन अरेस्टेड अंटिल फर्टिलाइजेशन एंड इट इज रिलीज्ड। 1 2 3 4 कैसे बन रहा है, डी सी ए बी, डी सी ए बी आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, अगेन सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, sometimes it get bored for the students also, hopefully इस बार NTS पे action लेगा और थक से question देगा, थोड़ा सा mixing कर देगा questions की, easy then difficult, थोड़ा time taking, थोड़ा सा easy, इस तरह के questions अगर हों तो easy कर हो जाता है बच्चे के लिए attempt करना, because the kind of stress एक बच्चे पे जो होता है during the exam वो कई बार एक अच्छे बच्चे के लिए success को compromise कर देता है। We wish you all the best, you get a very good paper this time. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। The sequence of events leading to the evolution of life is protozoal formations, formation of polymers from the monomers, origin of single cell organism, self-replicating RNA, या फिर abiotic synthesis of organic monomer, that is amino acids and nitrogenesis. तो बहुत सिंपल सा है, सबसे पहले तो इन्हीं को बनना होगा, बायोमोलिक्यूल्स बनाने होंगे अगर हमें सेल या फिर एक ऑर्गेनिज्म बनाना है, so this should be my first step. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम पॉलीमर्स बनाएंगे इनसे। एक बार आपके अमीनो एसिड बने तो प्रोटीन बनाएंगे, नाइट्रोजन बेस बने तो हम न्यूक्लियोटाइड्स एंड आपके दूसरे कंटेंट बनाएंगे। एक बार अगर ये बन गया तो हम एक ऐसा सेलुलर एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर हम हेरिडिटी मटेरियल को रख सके। इनिशियल आरएनए वर्ल्ड रहा था तो हेरिडिटी मटेरियल वॉल्स था सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए, आरएनए कैन बी एंजाइमेटिक एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल, यू नो ऑल दैट। एंड फाइनली हमारा फर्स्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सक्सेसफुल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आ गया होगा। तो अगर हम इसको डायग्राम में भी देखें तो आपकी जो लाइफ स्टार्ट हुई थी, पहले एबायोटिक वर्ल्ड था, उसके बाद सब पॉलीमर्स बने थ्रू मोनोमर्स, एंड जब एक बार पॉलीमर्स बनने गए तो एक सेलुलर एनवायरनमेंट, कोसर्वेट्स जैसे प्रोटोसेल्स वगैरह बने हैं, एंड देन हेरिडिटी मटेरियल केम्स इनटू द पिक्चर व्हिच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट। आज जो हम प्रोकैरियोट्स देखते हैं उनसे जो उनके जो एंसेस्टर्स थे आर्काइव वगैरह वो सब पहले आए होंगे, उसके बाद हमारे आज के मॉडर्न जनरेशन प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया आए हैं, एंड देन सब्सिक्वेंटली यूकैरियोट्स एंड
हाई ब्यूटेनॉल। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो क्या बनेगा, ई उसके बाद बी, ई बी ए डी सी, ई बी ए डी सी, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द सिक्वेंशियल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन इंक्लूड कॉन्टेक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ गैमेट काउंटर पार्ट, स्पर्म एंट्री इन पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एनवेलप अराउंड एग, फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू गैमेट्स, एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म टू इनिशिएट माइटोटिक डिवीजन, ब्लॉक टू द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, अगेन एज दे हैपन, उस सीरीज में हमें अरेंज करना है। सी अर्चिन इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द फर्टिलाइजेशन इवेंट एक्रोसोमल एंड कॉर्टिकल रिएक्शन। सबसे पहले क्या बताया गया है, सबसे पहले बताया गया है कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ गैमेट काउंटर पार्ट विल बी माई फर्स्ट स्टेप। वॉट वुड बी द नेक्स्ट, स्पर्म एंट्री इन पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइको प्रोटीन एनवेलप, सो दैट वुड बी माई सेकेंड स्टेप। ऑब्वियसली एक बार अगर स्पर्म आ गया तो वी विल ट्राई टू ब्लॉक द एडिशनल पॉलीस्पर्मी, हमें ब्लॉक करनी पड़ेगी, सो ब्लॉक द पॉलीस्पर्मी इवेंट। नेक्स्ट वॉट, एक बार अगर हमने पॉलीस्पर्मी ब्लॉक कर दी, एक न्यूक्लियस एंट्री लेने लगा है, तो देन फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टू गैमेट्स होगा, एंड लास्ट एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म टू इनिशिएट माइटोटिक डिवीजन, दैट वुड बी द, अभी हमने याद किया था कि सेकेंडरी माइटोसिस जो ओसाइट्स बनती हैं तब वो रिलीज कर दी जाती हैं अंटिल फर्टिलाइजेशन, तो वही हो रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या होंगे, फर्स्ट यानी ए बी, देन फॉलोड बाय ई, ए बी ई सी डी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको हमारे जो एक्सप्लेनेशन हैं वो अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई कंप्लेन है या कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली इस वीडियो में हम आपकी हेल्प नहीं कर पाए, पर नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज को डेफिनेटली टेक केयर करेंगे और इम्प्रोवाइज करेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरेंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। वैसे हमें मालूम है कि आप हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, बट फिर भी वी वॉन्ट मोर रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। लेट्स स्टार्ट। Given below are the two statements. चलो क्वेश्चन तो चेंज हुए। Statement one, parental care increases the chances of offspring survival but require large energy expenditure. Statement two क्या कह रहा है? In amphibians, females of the genus Pipa carry eggs on their head in cephalic hooks. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. दोनों statement true हैं, दोनों statement false हैं। एक true है, दूसरा false है, या पहला false है, दूसरा true है। ये देखिए statement one जो है वो true है। तो हर कोई जानता है जो पेरेंटल केयर होती है वो ऑफन इंक्रीज कर देती है चांसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल, बट सारे एम्फीबियंस में ये जो हमारा पेरेंटल केयर है वो नहीं दिखता, स्पेशली जीनस पाइपा में तो नहीं दिखता है। इसका मतलब स्टेटमेंट वन तो ठीक है, स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, दैट मीन ऑप्शन सी। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, pedogenesis is the retention of larval characteristics in the adult, neoteny refers to the accelerated gonadal maturation in the larvae. dono ki agar hum definition dekhen to aapko is question ka answer ho jayega. pedogenesis kya hoti hai, it involves accelerated sexual development of an organism, yani ki ye jo word ki definition hai wo ye hai. statement 1 incorrect ho jayega. kai sare amphibian and insects mein ये हमें दिखती है पीडोजेनेसिस, लार्वल में ही जो एडल्टहुड है वो आ जाता है। और ऑन द अदर हैंड अगर न्यूटेनी की बात करें जिसको हम जुवेनाइजेशन भी बोलते हैं, इट इज द रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल ट्रेट इन एडल्ट, यानी एडल्ट में भी आपके जो लार्वल ट्रेट्स हैं वो रह जाते हैं, यानी कि न्यूटेनी की डेफिनेशन हो गई, ये दोनों ही स्टेटमेंट हो गए गलत। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स। स्टेटमेंट वन कह रहा है जावन राइनो इज अ वल्नरेबल स्पीशीज, नहीं, जावन राइनो तो ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल नहीं है, उससे आगे स्टेज में जा चुका है एंडेंजर्ड में, जबकि वन हॉर्न राइनो जो इंडियन राइनो भी कहलाता है वो वल्नरेबल है, दैट्स करेक्ट। तो स्टेटमेंट वन आपका गलत है, स्टेटमेंट टू सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम लाइक स्किन हेयर प्रोवाइड सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, सभी जानते हैं कि जो इस हमारी जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है उसमें स्किन और हेयर होते हैं और दोनों में ही सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। देखा है ना आपने, ठंड में हमारे बाल खड़े हो जाते हैं जबकि नॉर्मल टेम्परेचर में हमारे जो स्वेटिंग के लिए, ये फिर जो एक टेम्परेचर कूलिंग है समर में उसको भी रेगुलेट करते हैं। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हैज लॉट ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन और हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं क्योंकि डायरेक्ट एनवायरमेंट के टच में रहते हैं। स्टेटमेंट टू, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम को स्टोर एनर्जी रिजर्व, नहीं वो तो एडिपोसाइट्स का काम है, राइट? याद करिए एडिपोसाइट्स कनेक्टिव टिश्यू। तो यानी कि स्टेटमेंट टू जो है वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, मायोफाइब्रिल्स आर नॉट अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, मायोफाइब्रिल्स आर अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट बोथ एंड्स ऑफ अ मसल फाइबर्स। अगेन दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट पहला ठीक है, दूसरा गलत है, दूसरा ठीक है, पहला गलत है, उसको हमें क्रॉस चेक करना है। अगर एक टिपिकल मसल फाइबर को देखें, मसल फाइबर को जो कि एक सेल के इक्विवेलेंट है, तो उसमें आप ध्यान से देखिए ये हमारे मायोफाइब्रिल्स हैं। जो पेरिफेरी पे मायोफाइब्रिल्स हैं वो सार्कोलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, बट जो मिडिल वन है, मिडिल के पोर्शन में जो है वो जनरली डायरेक्ट टच में सार्कोलेमा से नहीं रहते हैं। बट इन एनी केस, इन एनी सर्कमस्टांसेस, ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं ये एंड्स पे जरूर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होंगे ऑफ अ मसल फाइबर। यानी स्टेटमेंट वन जो है वो तो आपका क्या हो गया, ये एक सब्जेक्टिव है कि आप उसको कैसे देख रहे हैं। ये डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट इसके आंसर हो सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसको ऐसे देखें कि बीच वाले अगर हम मायोफाइब्रिल्स की बात करें, नॉट ऑल द मायोफाइब्रिल्स दे आर इन डायरेक्ट कनेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट सम ऑफ देम यस। जबकि स्टेटमेंट टू तो हमेशा ही ठीक होगा। क्यों? क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप मिडिल वन की बात करें या कोई दूसरे की बात करें, एंड्स पे हमेशा ये मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होंगे। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फर्स्ट वन अगेन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, जेनेटिक कोडॉन इज डीजनरेट, बिल्कुल ठीक है। हम जानते हैं कि देर आर मेनी जेनेटिक कोडॉन्स विच मे कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये दोनों देखिए आप, UUU UUC दोनों ही फिनाइल एलिमेंट को कोड कर रहे हैं, राइट? दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जेनेटिक कोडॉन रेजिस्ट सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस। जेनेटिक कोडॉन जो है जनरली सिंगल बेस म्यूटेशंस को रेजिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से हमारी जो लैंग्वेज है कोडॉन्स की वो बदल जाएगी। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, जेनेटिक कोडॉन डीजनरेट होते हैं, जेनेटिक कोडॉन रेजिस्ट करते हैं सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज एक बेस का सब्स्टिट्यूशन अगर सेकंड या फर्स्ट पोजीशन पे हो गया तो वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड करने लग जाएंगे। हाँ, अगर वो थर्ड पे हो रहे हैं तो जनरली इस तरह के म्यूटेशन जो हैं हार्मलेस होते हैं जनरली, बट एट टाइम्स दैट कैन ऑल्सो मेक कॉज द प्रॉब्लम, राइट? तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन भी ठीक है, स्टेटमेंट टू भी ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Given below are the two statements. Again, वही pattern एक बार फिर से, अब दोनों statements के question आने लग गए। Statement one क्या कह रहा है? Loss of immune functions resulting from exposure to external agents such as infection is known as primary immunodeficiency. Statement two क्या कह रहा है? Immunodeficiency due to the development or an inherited genetic defect in the immune system is called as secondary immunodeficiency. ये दोनों ही statement गलत हो गए हैं। क्यों गलत हो गए हैं? एक जो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी जिसको बोला जा रहा है वो सेकेंडरी का एग्जांपल है, और जो सेकेंडरी जिसको बोला जा रहा है वो प्राइमरी का एग्जांपल है। प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी जनरली जेनेटिक होती है, बाय बर्थ होती है। फॉर एग्जांपल सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी जो कि डेविड वेक्टर को थी, प्लास्टिक बबल बॉय, या फिर अशांति डिसिल्वा को फॉर द एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी जो होती है जैसे एचआईवी, वो हम एक्वायर करते हैं इन आवर लाइफ। तो प्राइमरी हमेशा जेनेटिक होती है, सेकेंडरी हमेशा एक्वायर करी जाती है। दोनों ही जो आपके ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी इज द फर्स्ट सिंथेटिक वैक्सीन फॉर पब्लिक यूज। बिल्कुल ठीक है,
ये जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन थी हेपेटाइटिस बी की, ये सबसे पहली वैक्सीन थी जो कि बनाई गई थी बाय इंसर्टिंग हेपेटाइटिस बी वायरल जीन इनटू द ई सेल, और इससे हमने हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बनाया था विच वाज अ प्रोटीन दैट वाज यूज्ड टू इंड्यूस द इम्यूनिटी इनसाइड अस। तो यानी कि स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो एक डीएनए वैक्सीन है, नहीं, हेपेटाइटिस बी एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। तो स्टेटमेंट वन ठीक था, स्टेटमेंट टू गलत हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट्स अबाउट एमएससी मॉलिक्यूल्स आर करेक्ट? ओके, जो आपके एमएससी क्या होते हैं, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, अगर आपको थोड़ा सा भी इसका आइडिया हो, ये टिश्यू हिस्टोटाइपिंग में बड़े यूज होते हैं, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। अगर आपको एक जिस्ट में समझाना हो, तो जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो एक अलग कॉन्सेप्ट वर्क करता है, वहां पे हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं, बट अगर हमें टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन करने हैं तो ना केवल हमें ब्लड ग्रुप मैच कराना है बट टिश्यू की हिस्टोटाइपिंग भी करनी होगी, यानी हमें टिश्यू के जो रिसेप्टर्स हैं उनको भी मैच कराना होगा, और वो रिसेप्टर होते हैं आपके मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये जो दो तरह के होते हैं क्लास वन एंड क्लास टू, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लास वन जो आपका एमएससी होता है वो सारी ही न्यूक्लियेटेड सेल्स पे होता है, आरबीसी पे नहीं होगा। क्लास टू जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप की तीन सेल्स पे होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो कि आपकी क्या क्या होती है, मैक्रोफाजेस होती हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं और बी सेल होती हैं। एपीसी के पे आपके क्लास वन भी होंगे बट क्लास टू होते हैं, क्लास टू हमेशा मिसिंग होते हैं सारी सेल्स पे, सिर्फ तीन पे ही मिलते हैं, एक चीज तो ये। दूसरा क्या कि जो क्लास वन होते हैं वो एक सिंगल पेप्टाइड से मिलके बने होते हैं जिनमें अल्फा वन, अल्फा टू एंड बीटा वन डोमेन होता है। ये अल्फा वन, ये अल्फा टू, ये बीटा वन डोमेन है, ये एक आप देखिए एक कॉन्टिन्यूस पेप्टाइड है, राइट? और इस जगह पे सपोर्ट के लिए हमारे पास नॉन इम्यूनोलॉजिक मॉलिक्यूल यानी बीटा ग्लोबुलिन जो है, माइक्रोग्लोबुलिन, वो सपोर्ट के लिए आ जाता है, नॉन इम्यूनोलॉजिकल है। जबकि अगर हम क्लास टू की बात करें तो यहाँ पर दो सेपरेट पेप्टाइड यूज होती हैं जो अल्फा वन बीटा वन बनाती है, एक अल्फा वन अल्फा टू बनाएगी, एक बीटा वन बीटा टू बनाएगी, दो सेपरेट पेप्टाइड होंगी। तो चलिए इस प्रेजेंट नॉलेज के बेसिस पे हम स्टेटमेंट्स को वर्थ इट करते हैं, स्टेटमेंट को जज करते हैं। क्लास वन एमएससी मॉलिक्यूल आर कंपोज्ड ऑफ टू नॉन कोवेलेंटली, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये आंसर होना चाहिए क्लास टू के लिए। एमएससी जीन्स आर पॉलीमॉर्फिक, बिल्कुल ठीक है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इनका डिफरेंट सेटअप होता है। क्लास वन एमएससी मॉलिक्यूल आर एक्सप्रेस्ड ऑन मोस्ट न्यूक्लियेटेड सेल एज वी जस्ट डिस्कस, ये ठीक है। क्लास टू एमएससी मॉलिक्यूल आर रेस्ट्रिक्टेड टू बी सेल, मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल, ये भी ठीक है, यानी बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ओके, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम सब जानते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो सेल्स होते हैं जो कि अपोप्टोसिस को डिफाई कर देते हैं, सेल डिवीजन में चले जाते हैं, इमोर्टल हो जाते हैं एंड दे हैव अ पावर टू परकोलेट इनटू द ब्लड कैपिलरीज यानी एंजियोजेनेसिस। देखते हैं, अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन बिल्कुल ठीक है, इनहिबिशन टू एंजियोजेनेसिस नहीं, अभी डिस्कस किया, दे हैव द पावर ऑफ एंजियोजेनेसिस, यानी कि अगर एक ट्यूमर जो है बेनाइन है वो अगर आपका बाद में अगर आप मेटास्टेसिस हो जाती है तो उसमें एंजियोजेनेसिस की शुरुआत हो जाएगी, तो ये तो हो गया गलत। रेजिस्टेंस टू एपोप्टोसिस, यस, प्रोग्राम सेल डेथ को वो रेजिस्ट करते हैं, मरना नहीं चाहती हैं, और सेलुलर इमोर्टल, यस, दे वांट टू लिव लॉन्गर एंड दे हैव द एबिलिटी टू मेटास्टेसिस। ए सी डी ई, ए सी डी ई है आपके ऑप्शन सी। एकिनोडर्म कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड, ओके, एक एकिनोडर्म का एग्जांपल है आपकी पेंटामेरस स्टारफिश, आपने देखा होगा, इनमें एक खासियत देखी थी, याद करिए, इनके जो लार्वा होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं जबकि इनका जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है। इस टॉपिक को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है मैराथन में, हमने डिस्कस भी किया था। चलिए अब देखते हैं, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होता है इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल, बिल्कुल ठीक है, मेसोडर्मल होता है। Adults have pentaradial symmetry and larva have bilateral symmetry. ये भी ठीक है। Water vascular system composed of water-filled canals होते हैं, locomotion, attachment and feeding में use होते हैं, ये भी याद रखिए।
एकाइनोडर्म में है होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो किसमें होता है, हमारे स्पॉन्जेस में, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो गलत हो गया, कंप्लीट होता है। साइजोसीलस नहीं, दे आर कौन से होते हैं, ड्यूटेरियस होते हैं। तो यानी कि आपका डी जो है वो गलत हो जाएगा, ड्यूटेरियोस्टोम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ए बी सी तीनों ठीक हैं, ऑप्शन ए इज टू बी द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू स्टेरॉयडल हार्मोन, चलिए जी बिल्कुल देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, बिल्कुल ठीक है। कोलेस्ट्रॉल में आपका ये कॉन्सेप्ट होता है, फोर फ्यूज रिंग सिस्टम होता है कोलेस्ट्रॉल में, और जिसमें भी ये फोर फ्यूज रिंग सिस्टम होगा वो स्टेरॉयड बन जाएगा। कोलेस्ट्रॉल इज द बेसिक प्रिकर्सर, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोडियोल, ये सब उसी से बनते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन इंक्लूड ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, नहीं। स्टेरॉयडल हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोन ये सब आएंगे, ये तो प्रोटीनेशियस है, राइट। तो ये गलत हो गया। स्टेरॉयडल हार्मोन कैन नॉट क्रॉस, नहीं, दे कैन क्रॉस बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, यही तो प्रॉब्लम है। स्टेरॉयडल हार्मोन हैव अ न्यूक्लियर रिसेप्टर, वो आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं जितने भी एनाबॉलिक ड्रग्स होती हैं स्टेरॉयडल बेस, उनको नहीं खाना चाहिए बिकॉज दे हैव अ प्रोपेंसिटी टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टॉक टू डीएनए एंड मे रेगुलेट सर्टेन जीन्स, अनवांटेड जीन्स। तो अगर आप स्टेरॉइड ज्यादा लेते हैं तो देयर इज अ चांसेस यू डेवलप द ट्यूमर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। स्टार प्रोटीन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, ये बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल की फिजियोलॉजी आपको पता है तो इस प्रोटीन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही एंड कर रहे हैं। हमने आपके क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर हमारे एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर आपकी रिक्वेस्ट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट इट। और हाँ, विज्ञान गर्ल फैमिली 3000 प्लस हो चुकी है, आप उसका एक पार्ट है, बने रहिए, जुड़े रहिए, और इसमें और मेंबर्स को प्लीज ऐड करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।